ये देखिए जी, माँ को मिल रही है। कितने अरसे बाद करीबन कोई 5-6 माँ गालबन हो चुकी है। वहाँ तो मेरे साथ आती रही मिलने के लिए, लेकिन यहाँ अपने इनके घर में यानी पहली मरतबा मेरी बेगम कम से कम कोई 5-6 माह के बाद आई है। ऐसे हो गया ना 5-6 माह, तकरीबन 5-6 माह हो चुके हैं तकरीबन। खुश और राजी हो? ये देखे जी, अल्लाह उसको खुश रखे, सलामत रखे जी। ये जी माँ बेटी का प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं विवाद? उम्मीद है आप तो खैरियत से होंगे, जानते ही हैं। अल्लाह आपको खुशियां दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी अता फरमाए। और जो इस दुनिया फानी से जा चुके, अल्लाह उन सबकी मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, वर्षा को सब्र जामी अता करे। और जो बीमार है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत दे, शिफा दे। जो कर्जों में डूबे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर्जों से निजात दिलाए और जेब से मदद करे, रोजगार में बरकत दे। जो रिश्तों से महरूम है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक साले रिश्ते अता फरमाए, गैब से नेक साले रिश्ते अता फरमाए और बरकत वाले हों। और जो बेरोजगार है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रोजगार में बरकत दे, वसी बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में बहुत बेहतरी आ गई, बहुत बेहतरी आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने पट्टी शट्टी ये सारा कुछ उतार दिया है, कमीज भी पहन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा नहाया भी हूँ। ये भी नहलाया, बेगम में है किसी ने कहा जी नहीं आप नहाना है ना, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ना सकता किसी, मैं आपको नहलाऊंगी। इन्होंने मुझे नहलाया है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मैंने ये टांगें भी पहननी है, और इसके अलावा जो है आपसे जो अहम बात ये कि मैं जब अपनी बहनों को उनके माँ बाप लेने के अपने ससुराल छोड़ने जा रहा था, छोड़ कर वापस आ गया था, लेकिन वीडियो उसको जो हमने बनाई थी उस दौरान मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि दूसरे मैंने अपलोड करनी थी शाम को, तो उसी रोज़ मेरा हादसा हो गया, और हादसे की वजह से दोबारा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब वो वीडियो भी आप देखेंगे जो इसको अपने हादसे से पहले मैं हमने बनाई थी, उसको इसके माँ बाप के हाँ मैं छोड़ कर आया था। हाँ, वो वीडियो देख रहे थे पीछे जो मेरे ससुराल में जब मैं बेगम को छोड़ने गया था उस वक्त की। और हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे, और ये टांगे भी पहनूंगा, वो मेरे बटन जो है ना ये तो बंद कर दें आप, उससे पहले दुआ करो इनके लिए, अल्लाह इन्हें खुशियाँ दे। दुआ हाथ उठा कर था, लंबी दुआ मांगे, अल्लाह खुशियाँ दे, कामयाबी दे, कोई गम ना हो, अल्लाह खैर वफी को सलामती से बुलाए, ठीक है? खुश और राजी हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज के विलोक का हम आगाज करते हैं, बेगम से पूछते हैं कि ये कहाँ की तैयारियाँ, आँखें उसने बंद कर ली, इधर की तैयारी है, कहाँ जाना है, कहाँ बे? किधर जा रही है बताओ ना, किधर जाना है? ये यू इशारा जो किया ना उसने पता क्यों किया है? इसके बाबा जी हैं वो नसवार रखते हैं, और साथ इनकी वालदा भी तकरीबन मेरे ख्याल में वो भी रखती हैं, तो ये उधर का इशारा कर रही है अपने माँ बाप जाने, माँ बाप को मिलने के लिए। इनके बाबा हाँ अब यू आ गई, इनके बाबा सिगरेट भी पीते हैं, दादुआ भी उनकी तरह ये जा रही है, उधर जा रही है, तैयारी कर चुके हैं, सामान इसने ये अपना बांध लिया है, मेरा वक्त तैयार है और साथ आमना तैयार है, इनको वहाँ मैंने छोड़ने जाना है। हम तो चले ससुराल, मुझे वहाँ रहने दोगी या नहीं रहने दोगी? मैं कह रही है एक दिन लगा के वापस आ जाना, एक दिन कह रही है लगा के रात वहाँ, ये तो अपने नहीं कह रही है, ये कह रही अपने लिए ना 5 और 6 दिन वहां रहूंगी, और मैं यूं रात का रहूं या ना रहूं, कह रही वापस 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 उधर मैंने नहीं रहना, क्यों? मेरा भी तो रिश्ता है ना। नहीं जी नहीं, मुझे वहां रहना होगा। अल्लाह मेहरबानी की आगाज करते हैं, और दुआ उनके भी करो, अल्लाह खैरियत। ये कह रही है कपड़े चेंज कर लो, चल कपड़े, आमीन, दुआ दुआ तो कर दो, आमीन आमीन आमीन, अल्लाह खुशियाँ दे, सलामती दे, कामयाबी दे, कोई गम ना हो। और अपना हम चले ससुराल, ससुराल जाके इसको छोड़ के वापस आ जाएंगे, मैं तो रात को वापस आ जाऊंगा, कोशिश चेंज कर लो,
यही है कि क्योंकि घर पीछे अकेला है, यहाँ बच्चे होंगे छोटे, और इधर ही मैंने वापस आ जाना है इंशाल्लाह। सर हमारे भी खाने के लिए देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, खाने के लिए जाना वो हमें मसला तो बनेगा, लेकिन उसका कुछ हाल निकालेंगे इंशाल्लाह। ये किसके लिए बना रही हो? ये जनाब अपने माँ बाप के घर पे भी आके यहाँ पर भी तंदूरी रोटियाँ माशाल्लाह बड़ी हुई है, ज़बरदस्त सालन में बन चुके हैं उस तरफ देश की। ये सादा लोग, सादा माहौल, सादा लोग कच्चे घरों के मालिक और सच्चे दिल के मालिक हैं, सच्चे दिल के। हाँ जी, खुश हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, ये सालन रोटी आ चुकी है, चिकन बना हुआ है माशाल्लाह, तंदूरी रोटियाँ, पानी और बैगन जो है वो प्लेट एक धोने लगी है, अपने लिए डालने लगी, लेगी मुझे जो ना रोटी इसने बना कर दी है, और घर वाले बाकी भी यहाँ मौजूद हैं, वो उधर छुप रही है, कह रही है मुझे ना, मैं अपने लिए सालन ले लूँ। है ये छुप छुप के क्या देख रही हो? फायदे करो माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी खूब। अब मैंने खाना खा के यहाँ से फौरन मैंने निकलना है जी, वापसी घर जाना है, बच्चे यहीं पर रहेंगे। ये देखे जी, उसको सेब खिला रही है। खुश हो, राजी हो? चलो जी, अल्लाह खुश रखे। हम चले ससुराल, ससुराल जाके इसको छोड़ के वापस आ जाएंगे, मैं तो रात को वापस आ जाऊंगा, कोशिश इंशाल्लाह। यही है कि क्योंकि घर पीछे अकेला है, यहाँ बच्चे होंगे छोटे, और इधर ही मैंने वापस आ जाना है इंशाल्लाह। सर हमारे भी खाने के लिए देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, खाने के लिए जाना वो हमें मसला तो बनेगा, लेकिन उसका कुछ हाल निकालेंगे इंशाल्लाह। हम नाव तैयारी कर चुके हैं, बेगम ने मुकम्मल तैयारी कर ली है, और आमना आ गई है, वक़र भी है, और हम यहाँ से अब रवाना होने लगे हैं। घर भी अल्लाह के वाले, हम भी अल्लाह के वाले, और आप लोग भी अल्लाह के वाले। हम रास्ते में रुके हैं मोटरवे से ज़रा साइड पे। ये आमना, आमना इधर देखो, आमना यहाँ जी, वो साथ मेरे साले की बेटी है, ये मेरी बेटी बेगम रही, और वक़र जो है मेरे साथ है। हम यहाँ मोटरवे देख रहे हैं आप, ये है जी मोटरवे, अहमदपुर की तरफ जाते हुए रास्ते में हम रुके हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले अहमदपुर वाली साइड पे रहते हैं, हम अब उधर जा रहे हैं। यकीन जाने जो मेरा हादसा हुआ ना, इतनी तकलीफ मुझे वो नहीं हुई जितनी मुझे ये पट्टी उतारने में तकलीफ जो हुई है। बालों के साथ चिपकी हुई थी, जान निकल रही थी हर दफा, जैसे जैसे उतार थी बेगम मेरे को दम भी कर रही, मैं तो उधर देखता फटोफट ऐसे खींच पहनती, कम से कम उसको उतारने में, कम से कम उतारने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम लग गया। वो दिखाओ, ये देखे नहीं, बाल ही बाल ही बेटा, जरा करीब से दिखाओ ऊपर, इसने जो बाल यानी कि जो उखड़े हैं यहाँ से, इतने दर्द हुआ है शदीद कि बहुत ज़्यादा, यानी कि जिससे जिससे किसी की खाल को धड़ा गया जिंदा आदमी की, वैसे ही जैसे जिंदा आदमी की खाल घड़ी जाती है ना, तकलीफ होती है, ऐसी ही सूरत मेरी बनी। चले अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इलाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, इलाज से बेहतर एहतियात बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ये लग गई थी, और उस वक्त सोजिश थी यहाँ तक ऐसे, और रिकवर हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और आज अक्सर हमने कराया, जिसके नतीजे में शुक्र है कि मेरी ये कराई बचत हो गई, ये नहीं छोटा बचत होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसको अब उतार दिया है, आपके सामने इसको उतार दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तो हम याद रखिएगा, बाय बाय, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।